हेलो दोस्तों, स्वागत है भूमि टेक के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं आपके गांव में कितने बीघे ज़मीन है, कितनी आबादी है, आबादी का नंबर क्या है, कितने बीघे में है, कितने हेक्टेयर में है, सारा कुछ डिटेल घर बैठे देख सकते हैं अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से। तो सिंपली हम अपना यहाँ क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे खसरा खतौनी यूपी, खसरा खतौनी यूपी। अब यहाँ फर्स्ट टैब को क्लिक करेंगे upbhulek.gov.in पे। क्लिक करने के बाद आप उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहते हैं, किस तहसील में और आपके ग्राम पंचायत का नाम क्या है, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम रेंडमली चेक करते हैं गाजीपुर का, और यहाँ तहसील लेते हैं सैदपुर, और यहाँ पे हम गांव पंचायत का नाम लेते हैं कोई भी, ये लेते चलिए वासीपुर पियरी का लेते हैं। अब यहाँ चेक करते हैं इस ग्राम पंचायत में कितनी आबादी है, सरकारी सरकारी डेटा है ये। यहाँ पे आ लिख के सर्च करेंगे। अब देखिए ये आबादी का डिटेल आ गया, यहाँ 00425। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उदाहरण रेखा पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कैप्चा बिल्कुल सावधानी से भरना है, FB6L FB6L W। अब यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे खसरा नंबर मिल गया है और कितना आबादी है, आबादी में कितनी ज़मीन है, ये देखिए, ये मतलब ग्राम पंचायत बासर पियरी के अंतर्गत इतने आबादी है इस ग्राम पंचायत के नाम पे, और कहाँ कहाँ है आपको यहाँ से मतलब खसरा नंबर मिल गया है। अब चाहे तो नक्शे के हिसाब से देख सकते हैं, तो चलिए मैं नक्शे पे भी आपको दिखा दे रहा हूँ। एक नया टैब ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं 164.100 और ये लास्ट वाले पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम नक्शे के हिसाब से देख सकते हैं ये आबादी में है या बिना आबादी का है या किसके नाम पे है, सारा डिटेल मिल जाएगा आपको। वैसे ही जैसे हमने खसरा निकालते टाइम चुना था जिला, तहसील और गांव, तो वैसे यहाँ पे भी सेलेक्ट करना है। तहसील हो गया और सॉरी जिला हो गया, अब यहाँ तहसील, अब यहाँ गाँव का नाम ले लेते हैं। ये रहा सिर्फ पियरी। अब यहाँ सेलेक्ट ऑल करने के बाद सो लैंड टाइप डिटेल यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे सारा डिटेल में आ जाएगा आपको। अब थोड़ा सा नक्शे को हम जूम इन कर लेंगे, देखिए हो गया। अब यहाँ पे हम इसी टाइप पे चले जाएंगे और चेक करेंगे ये जो ना आपको नंबर दिख रहा है वो नंबर किस मतलब कहाँ पे है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 552, यहाँ पे हम सर्च करेंगे 552 552, यहाँ पे सर्च करेंगे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा कहाँ पे है। ये रहा देखिए दोस्तों, यहाँ जूम इन कर लेते हैं, ये देखिए ये तो पूरी आबादी में है और ये किसका है 511, देखते हैं यहाँ पे देखिए डिटेल आ जाएगा। देखिए प्लाट का सारा, ये प्लाट किसके नाम पे है, पूरा कंप्लीट डिटेल यहाँ आपको मिल जाएगा। आप जैसे जिस जिस नंबर पर क्लिक करेंगे सारा प्लॉट किसके नाम पे है, क्या है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। आपके आबादी के साथ साथ आप नक्शे में भी देख सकते हैं, यार आपका ये गांव का नक्शा है इस ग्राम पंचायत का। चलिए एक तो और चेक करा के दिखा दे रहे हैं आपको, 403 403, यहाँ पे सर्च करते हैं, ये रहा ऊपर। थोड़ा सा माइनस क्लिक करके थोड़ा नक्शा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ 403 पे क्लिक करते हैं, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा लग रहा है। अब यहाँ क्लिक करते हैं 403 पे, कहीं ऑटोमेटिक जरूर कुछ ना कुछ होगा ये लग रहा है मेरे हिसाब से। जूम इन करते हैं, 403 का नंबर ये, हाँ देखिए दोस्तों ये रहा 403, दिख रहा है आपको।
ये रहा दोस्तों, देखिए ये प्लाट किसके नाम पे है। देखिए अब ये आबादी ही है अभी तक। इसके अगल बगल में देखते हैं कौन है। ये देखिए ये नेशनल हाईवे है, और ये बाजू में कौन है, ये पंचायत भवन है, और ये कौन है, ये प्राइमरी स्कूल है। देखिए दोस्तों ये नक्शे के हिसाब से हम कंप्लीट डिटेल देख लिए हैं। अब चाहे तो इसको हम प्रिंट करके रख भी सकते हैं, अब जो चाहे वो कर सकते हैं। आप तहसील से भी निकाल सकते हैं, घर बैठे भी निकाल सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों भूमि टेक चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।